हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बैंक रिकंसिलेशन का, मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अभी बताया है और उसके बेसिस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं आज का। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जब क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर सॉरी कैश बुक, ठीक है कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक या पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही है, बात समझ में आ रही है। जब भी हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोलते हैं, इस बात को याद रखना आप लोग, जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो है वो फेवरेबल होता है, फेवरेबल जो होता है ना वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। कैसे? क्योंकि जब बिजनेस में कभी भी कैश आता है तो उसे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि बैंक में जो हम बैंक रिकंसिलेशन बना रहे हैं कि बैंक में अभी बिजनेस के पैसे डिपॉजिट हैं, ठीक है, बैंक अभी फेवरेबल सिचुएशन में है और हमारे एक्स्ट्रा पैसे ही बैंक में पड़े हुए हैं, इसीलिए इसको फेवरेबल पोजीशन बोलते हैं और ये होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, पर ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेवरेबल सिचुएशन होगी वो कौन सी होगी, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैंक आपका बिजनेस अकाउंट नहीं देखता, बैंक क्या देखता है, पासबुक। तो बैंक क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बस इतना अभी याद रखो आप लोग कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेवरेबल सिचुएशन है वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेवरेबल सिचुएशन है वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। ओके, क्योंकि अगर आपका पैसा बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है ना, अब आपका एक्स्ट्रा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो बैंक के लिए वो पैसा क्या है, लायबिलिटी है। तो लेकिन ये फेवरेबल सिचुएशन है क्योंकि बैंक के पास आपका पैसा पड़ा, बैंक ने आपको लोन नहीं दे रखा है अभी, तो इस सिचुएशन को हम फेवरेबल बोलते हैं। अभी जो हम आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे वो हम सारे इस क्वेश्चन में आपके ये चीजें लिखी होंगी, क्या, फेवरेबल सिचुएशन एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कुछ भी है वो सारा हम इस बेसिस पे, जो पहला कॉन्सेप्ट है हम उसके बेसिस पे ही आज सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे फिर हम सेकंड पे आएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है उसमें क्या होगा, आपको या तो डेबिट बैलेंस दिया होगा, नाम की बात कर रही हूं मैं, क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा होगा, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस लिख सकता है एज पर कैश बुक। अभी मैं सिर्फ कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करवा रही हूं इसलिए एज पर कैश बुक, ठीक है, और सिंपल अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो इसका मतलब ही फेवरेबल ही है, हम फेवरेबल मानते हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है या पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है। तो अभी हम आप जो क्वेश्चन करने जाओगे उसमें इन चारों में से कोई भी बात लिखी हो उसका मतलब एक ही है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हम कैश बुक का एक बैलेंस दिया होगा जो हम लिखेंगे और उसके बैलेंस को जो भी प्लस कर सकते हैं प्लस करेंगे, जो माइनस कर सकते हैं माइनस करके हमें किसके बराबर लेकर आना है, पासबुक के बराबर। ठीक है, बताया था मैंने कि जब कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो आपको उसे किससे मैच कराना है, पासबुक से मैच कराना है। ओके, तो हम कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन।
सबसे क्वेश्चन नंबर वन है बुक टी एस ग्रेवाल पेज नंबर 13.45। ठीक है चल क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसमें क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लिखा मैं डायरेक्टली ये लिख दे रही हूं क्वेश्चन में। ठीक है तो आप इसको लिखोगे क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो जब पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस है तो आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिख सकते हो। अगर ओवरड्राफ्ट आता है वो बाद में आएगा जो मैं बताऊंगी, वहां पर ओवरड्राफ्ट लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है लेकिन अगर क्योंकि वो अनफेवरेबल सिचुएशन है, तो जब फेवरेबल सिचुएशन है तो आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिख सकते हो। ठीक है एंड द अमाउंट इज 15,000। हम अमाउंट इसमें लिखेंगे फाइनल, जो बैलेंस अमाउंट है। ठीक है जो बैलेंस एज पर कैश बुक हम कहां लिखेंगे, 15,000 फाइनल अमाउंट में। ठीक है अब इसमें क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है हम ये देख लेते हैं। सो पहला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। पहला लिखा है जो आपका क्वेश्चन है उसमें लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये अमाउंट है 1,000। अब ये हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ये देखना है। ऐड करने वाला यहां पर लिख लेना, लेस करने वाला यहां पर। ठीक है तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, इसका मतलब क्या है, क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे या लेस करेंगे। मतलब ये है कि आपके बिजनेस के पास कोई चेक आया था जो आपने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है चेक आया था यानी आपको मिला था। ठीक है आप डिपॉजिट कब करोगे चेक, जब आपके पास कहीं से आया होगा ना चेक, तो आपने जमा करा दिया कि मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाए, तो वो पैसे आने के लिए आपने चेक तो जमा करा दिया, लेकिन अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। अब इसमें हुआ क्या, जब आपने चेक कराया ना, जमा कराया ना, उसी डेट पर आपके कैश बुक में, आपके बैंक कॉलम में आपने ये मान लिया या बिजनेस ने ये मान लिया कि ये 1,000 रुपए तो हमारे अकाउंट में आ गए क्योंकि हमने चेक जमा करा दिया। ठीक है पर पासबुक में वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में वो पैसा नहीं दिखाएगा। समझ आई बात, हमें क्या करना है, हमें यहां पर नीचे लेकर आना है बैलेंस एज पर पासबुक। क्या करना है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम सारी कोशिश क्या करेंगे कि हम जो भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हम पासबुक के बराबर पहुंच जाएं। ठीक है तो अब ये पैसा आपने कैश बुक में जो है वो बढ़ा लिया कि हमारे अकाउंट में आ चुका है, पर एक्चुअल में आपके अकाउंट में अभी वो पैसा नहीं आया है। ठीक है तो अब आप क्या करोगे, आप अपने कैश बुक से भी, आपको कैश बुक को लाना है ना पासबुक के बराबर, तो आप अपने कैश बुक से भी इस पैसे को क्या करोगे, कम कर दोगे, तभी तो वो आएगा पासबुक के बराबर, क्योंकि पासबुक में अभी वो पैसा है ही नहीं, अभी वो पैसा नहीं आया है, तो आप कैश बुक से भी कम कर दो, यानी आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। आई बात समझ में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है 1,000। ठीक है अभी डिटेल्स में लिखेंगे, अगर टोटल होगा तो टोटल हम यहां पर लिखकर जाएंगे। दो फॉर्मेट है इसके, आप दोनों में से जो यूज करना चाहते हो दैट्स योर चॉइस, कोई इश्यू नहीं है उसमें। एंड द नेक्स्ट वन इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब इसका मतलब क्या है, सेकेंड वन इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने किसी को चेक तो इश्यू किया है, आपने किसी को चेक इश्यू किया है। ठीक है तो आपने क्या किया होगा, जब चेक इश्यू किया आपने मान लिया होगा कि मेरे अकाउंट से ये पैसा चला गया है ना, आपने किसी को चेक काटा अगर तो आप ये मानोगे ना कि आपके अकाउंट से वो पैसा चला गया। ठीक है पर जिसको आपने चेक दिया है ना वो अभी वो पैसा लेने बैंक में गया ही नहीं है, वो उसने अभी वो चेक को बैंक के सामने
प्रेजेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने तो ये मान लिया कि मेरे पास ये पैसा गया क्योंकि मैंने 1500 रुपए का चेक दे दिया, ठीक है। तो आपने अपने कैशबुक में से वो पैसा कम कर लिया, ठीक। पर उस वो बंदा अभी आया नहीं बैंक में, तो पासबुक में उसकी एंट्री हुई नहीं, तो पासबुक पे वो पैसा वैसे का वैसे, पासबुक पे वो पैसा अभी कम नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करोगे कैशबुक में, क्योंकि पासबुक में वो पैसा कम नहीं हुआ है, तो आप भी उसे बढ़ा लोगे। सिंपल, जो पासबुक में वही काम आपको करना है, ठीक है। आपने कम कर लिया था पर पासबुक पे अभी वो वैसे ही है, तो आप भी क्या करोगे, बराबर आने के लिए, पासबुक के बराबर आना के लिए, आप इस पैसे को जो आपने कम कर लिया था आप उसे बढ़ा लोगे, ठीक है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना 1500। आई बात समझ में? और नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बैंक इंटरेस्ट का में कुछ नहीं लिखा है कि क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ या आएगा या जाएगा, कुछ नहीं लिखा है। बैंक इंटरेस्ट मतलब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है आपके अकाउंट में। अगर बैंक चार्जेस होता तो वो है कि बैंक ले रही है अपने चार्जेस, पर बैंक इंटरेस्ट का मतलब है बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, आपको पैसे दे रही है। तो बैंक में बढ़ गया वो पैसा, बैंक ने जो आपको इंटरेस्ट दिया है 200 रुपए का, वो पैसा बैंक में यानी पासबुक में तो बढ़ गया, तो लेकिन आपके पास ये खबर नहीं थी। तो अब आप क्या करोगे, आप भी उसे बढ़ा लोगे, तो आप बैंक इंटरेस्ट को ऐड कर लोगे, ठीक। ये पहला क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, फटाफट से हो गया। अब हम इससे देखो कैसे करेंगे, तीन एंट्री सिखा दी। अब ये ऐड वाले को हम यहां पे ऐड करेंगे, ये 1700 हो गया, यहां पे आया टोटल 16700, ठीक है। ये 1000 ही आएगा इसका टोटल, और ये माइनस ये जो आपका बैलेंस आया वो कितना आएगा 15700। तो जो बैलेंस एज पर पासबुक है वो कितना है 15700। बात समझ आ गई कैसे हुआ ये 15700 जो बैलेंस एज पर पासबुक है, ठीक है। ये ज्यादा नीचे हो गया, यहीं पे लिखना था मुझे, वेट मैं यहां पे कर देती हूँ, ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वरना ये 15700 बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक। कैशबुक से शुरू किया तो नीचे क्या आएगा, पासबुक का बैलेंस। आपको किससे मैच करना था, पासबुक से आपने मैच कर लिया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन, ये पूरा एक बॉक्स में होगा हमेशा, ठीक, क्लियर है। ये दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन। अब हम करेंगे इसके